तो क्या हाल है भाई लोगों? टोटल चार एजेस आती है, तो यानी कि 1/4 × 4 यानी कि 1। तो बेबी हाँ, तो भाई लोगों आज हम ऐसे ही स्कूल के बारे में बात करने वाले हैं जहां पढ़ाई हो या ना हो पर तेल चटाई जरूर होता है। अब्बा मुझे फिर से स्कूल जाना है। अब्बा प्लीज प्लीज, मेरी पढ़ाई नहीं हुई है ढंग से, मुझे ट्रिग्नोमेट्री सीखना है। जहाँ एक तरफ निब्बा अपनी निब्बी के बालों से जुए निकाल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ निब्बा अपनी निब्बी की टूटी हुई चप्पल बना रहा है। बताओ, देख रहे हो इन निब्बा निब्बियों की पढ़ाई? कोई जुए निकाल रहा है तो कोई चप्पलें बना रहा है। और भाई ये निब्बा निब्बी इतने पढ़ाकू होते हैं कि ये कोई भी क्लास मिस नहीं करते, फिर चाहे इन्हें लैब में ही क्यों ना एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़े। बताओ, देख रहे हो कौन सी क्लास चल रही है? और भाई इतना क्लास लेने के बाद भी अगर कोई कमी रह जाए ना तो ये ग्रुप स्टडी कर लेते हैं। बताओ साला, होमवर्क और क्लास वर्क एक साथ हो रहा है। साला एक हमारा टाइम था, अगर हम स्कूल में गलती से बाल बड़े कर लेना तो मॉर्निंग के असेंबली में सबके सामने खड़े करके हमारे बाल काट दिए जाते थे। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। और साला आज देखो रोड में ही एक्स्ट्रा क्लास ले ली जाती है। है कि नहीं है? जितना स्टूडेंट है वो बताइए, कोई पढ़ता है? सब लोग खाली छोड़ी बटाता है। साला काश हमारे टाइम में भी ऐसा ही होता है। तो भाई लोगों, जितने लोग भी अपने स्कूल के दिन मिस कर रहे हैं ना, तो वो सब्सक्राइब करो लेजी गेमर को और शेयर करो अपने स्कूल टाइम की बातें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाओ यार फटाफट लेजी गेमर को सब्सक्राइब करो। और भाई इतना एक्स्ट्रा क्लास और ट्यूशन लेने के बाद भी जब इनसे पूछा जाता है कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तब देखो इनका जवाब। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि ये बताइए, हमारे भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री का नाम क्या है? रामदेव बाबा। क्या नाम है? रामदेव बाबा। वाह वाह वाह, कलम वाली भाई। बताओ, देख रहे हो बाबा रामदेव? अरे मैडम, कम से कम मोदी जी ही बोल देते, हम तब भी मान लेते कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, पर आपने तो बाबा रामदेव को ही प्रधानमंत्री बना दिया। और भाई गलती इनकी नहीं है, गलती इनके निब्बे की है। जब भाई पढ़ाई लिखाई करने के टाइम में निब्बियों के बालों से निब्बे जुए निकालते हैं। अबे भाई, जब जुए ही निकालना था तो झाड़ी में जाने की क्या जरूरत थी? मतलब सच में भाई, निब्बा निब्बी को झाड़ी में लेके भी गया तो सिर्फ जुए निकालने के लिए। सच में भाई, कैसे कैसे निब्बे हैं यार। नहीं मतलब जुए ही निकालना था तो बाहर ही निकाल लेता, झाड़ में जाने की क्या जरूरत थी भाई। सही बात है। और भाई अब ऐसा नहीं कि ये निब्बियां क्लास मिस कर रही हों या स्कूल नहीं जाना चाहती हैं। नहीं, स्कूल जाने के लिए तो ये कहीं भी बैठने को तैयार हो जाती हैं, बस इन्हें स्कूल पहुंचा दो। बताओ, देख रहे हो, ये पीछे भी बैठ सकती थी लेकिन नहीं, आगे बैठ के अच्छे से पढ़ाई होती है ना। और वैसे भी सारे टॉपर आगे ही तो बैठते हैं। सच में भाई, ये चितकबरी है, कुछ भी कर सकती है। और भाई इतना आगे बैठ बैठ के पढ़ने के बाद भी इनका नॉलेज देखो। क्या पढ़ाई की है? पूरा पढ़ाई की है। क्या पढ़ाई की है? क्या क्या पढ़ाई की है जरा बताइए हमारे दर्शकों को। हम स्कूल से नहीं पढ़े, हम ट्यूशन से पढ़े। ट्यूशन से पढ़ी है तो भाई कुछ तो पढ़ी होंगी ना। क्या क्या का पेपर है आज? सोशल साइंस। सोशल साइंस में कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स। नहीं नहीं
नहीं फिजिक्स नहीं केमिस्ट्री। नहीं मैडम, तुम पहले कंफर्म कर लो फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी। मतलब ठीक है तुम एक्स्ट्रा क्लास लेते हो, तुम ट्यूशन पढ़ने जाती हो, पर इतना तो पता कर लो कि सोशल साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। और भाई आजकल के स्कूल में प्रपोज करना नहीं रहा, मानो पाद हो गया हो, कहीं भी कर दो, खेत में प्रपोज। रोड में प्रपोज। क्लास में प्रपोज। दिमाग में कुछ आ नहीं रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। नहीं मतलब सच में भाई, कहाँ है ऐसा स्कूल, कोई हमें भी बता दो, हम भी दोबारा पढ़ लेंगे यार। क्या करे भाई, हम सिंगल लोंडे हैं, हमारे साथ ऐसा ही होता है। लड़कियों ने जिंदगी भर गम दिए, जितने भी नंबर दिए सब बन दिए। तो क्या हाल है भाई लोगों? टोटल चार एजेस आती है, तो यानी कि 1/4 × 4 यानी कि 1। तो बेबी हाँ, तो भाई लोगों आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन पढ़ाने वाले बेबी, मेरा मतलब है टीचर के बारे में, जो सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि पतियों को भी पढ़ाते हैं। मैम जी, आपका क्लास लेने पे मेरी बीवी मेरे को पटक के बेलन से मारती है। क्या बोला तूने? तुम क्यों ले रहे हो क्लास? ये भगवान क्या जुलूम है। बेबी को बोलो मैं एग्जाम क्लियर करना है भाई, इसलिए मैं मैम का क्लास ले रहा हूँ। मैम का। और इतना ही नहीं भाई, कुछ बच्चे तो इतने हरामी होते हैं कि मैम को ये तक बोल देते हैं कि आप सन्नी लियोन की तरह दिखते हो। मैम सन्नी इतना छत्र पड़ेगा ना एक दिन खींच के, सही बता रहे। अब भाई बच्चे भी क्या करे जब टीचर ये बोले तो। हाय, आज मुझे प्यार आ रहा है तुम लोग, आज मैं रो दूंगी, आज मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, आज मुझे प्यार आ गया तुम लोगों पे। और भाई कुछ बच्चे तो ये तक पूछ लेते हैं, मैम आप बायोलॉजी की प्रैक्टिकल कराते हो? टू पेरेंट्स इन्वॉल्व विद डिफरेंट जेनेटिक यू नो इन्फॉर्मेशन इन देम, तो यहाँ पे वेरिएशन ज्यादा होते हैं और इसीलिए ये एवोल्यूशन का बनता है बेसिस। थैंक यू यश, प्रैक्टिकल तो मैं नहीं कराती बायोलॉजी के, बट आई विल थिंक अबाउट इट। बताओ साला, बच्चे को प्रैक्टिकल करना है। बच्चे कह रहे हैं मैम प्रैक्टिकल, अरे चैट बॉक्स में प्रैक्टिकल कर लोगे क्या? थोड़ा तो दिमाग लगाओ यार, थोड़ी तो बुद्धि लगाओ अपनी। बिल्कुल सही बात, अब चैट बॉक्स में कैसे होगा भाई प्रैक्टिकल, भाई बोलने से पहले सोच तो लो। फिर भी मैडम इन सबको इग्नोर करती है, तो देखो बच्चे कैसे कॉमेंट करते हैं। एक ने लिखा है प्रदीप कुमार ने, मैम आप ना खाली पढ़ने वाले पर ध्यान देती हैं, आप अपने लवर पे ध्यान नहीं देती हैं, हम सभी लवर आपसे नाराज हैं। आहा, कितना दुख है ना तुमको, इतना दुख को पता ही नहीं था। कह रहा मैम सिर्फ पढ़ने वाले पे ध्यान देती हूँ, अपने लवर पे नहीं। और देखो कितनी यूनिटी है, इतना यूनिटी नॉर्मल टाइम पे क्यों नहीं दिखाते हो, हम सब लवर। नहीं सच में भाई, कहां से आते हैं ये लोग, और मैडम आप इतने प्यार से बोलोगे ना तो कोई नहीं सुनेगा। और भाई सच में ये लोंडे इतने हरामी होते हैं कि ये किसी भी मैम को नहीं छोड़ते। आपको देखूं या क्या कह रहा है, आपको देखूं या पढ़ाई करूं? तो पढ़ाई कर, देख मैंने क्या फोटो वोटो क्लिक करके रख ले, बाद में देख लियो, अभी तो पढ़ा रही हूँ तो पढ़ ले, क्यों ज्यादा बेटर है पढ़ाई, ज्यादा बेटर है मुझे तो ऐसा लगता है। बाकी तुम्हारी इच्छा भाई, जिसमें तुम खुश हो। अरे मैडम ये क्या बोल दिया आपने, इनकी इच्छा तो आपको देखने की ही थी। और भाई ऐसा नहीं कि ऐसे दिल्फ के आशिक को मैम ने समझाने की कोशिश नहीं करी, बहुत कोशिश की, आप खुद ही देख लो कि हमारे अर्थ पर 75% पानी है, है ना, इतना ज्यादा पानी है। अच्छा 1200
एंड 33 क्विंटिलियन लीटर्स ऑफ वाटर, लेकिन फिर भी लोगों को प्यार में डूबना है। तो भाई लोगों, इससे पहले कि आप प्यार में डूब के मरो, लेजी गेमर को सब्सक्राइब करो यार। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाओ यार फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और अपना सपोर्ट दिखाओ। तो भाई लोगों, अब बात करते हैं उन सस्ते आशिकों की जो मैम को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए कुछ भी करना चाहते हैं। मैं आपको गर्लफ्रेंड बनाने की क्या कुर्बानी देनी पड़ेगी? Trust me, अगर तुम क्लास में नहीं होते, हमसे कोर्ट के बाहर या फिर बाहर अगर बोले होते, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दुनिया को मुंह दिखाने का लायक नहीं रहोगे। ओके, तुम क्लास में नहीं होते, हमसे कोर्ट के बाहर या फिर बाहर अगर बोले होते। देख रहे हो भाई को, कुछ भी करना पड़े ये मैम को अपनी गर्लफ्रेंड बना के रहेगा। मतलब भाई कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अरे भाई वो मैडम है तेरी पड़ोस की भाभी नहीं, जो कुर्बानी के लिए पूछ रहा है। और भाई इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैडम कुंवारी है या शादीशुदा। वो बहुत सारी बातें कहते हैं, मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, मैं बहुत खुश होती हूँ इस बात को सुन के। ठीक है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो और आप बहुत अच्छी तरह से समझाते हो और आप एक बहुत अच्छे इंसान हो। मैम आपकी तबीयत ठीक है क्या? मैंने बोला बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और कहते हैं मैम मैं आपको बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, मैं आपको बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ, मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, बताइए। मैंने कहा बेटा मैं आई एम ऑलरेडी मैरिड, मैं पहले से ही शादी शुदा हूँ। उसके बाद 10 मिनट बाद मैसेज आता है, तो क्या हुआ मैम? हरामी हो। हाँ चितकबरे मौसी है वो तो तेरी। बताओ साला, एक तो मैडम ऊपर से शादीशुदा, फिर भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे चितकबरे, गुरु है तेरी, तेरी पड़ोस की भाभी नहीं, जिससे तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कुछ भी, कुछ भी। और भाई इन लोंडो को सब पता होता है ये गलत कर रहे हैं, ये खुद बोलते हैं मैम हमें गिरफ्तार कर लो। एक कह रहा है कि मुझे मैम आपसे प्यार हो गया, मुझे आपसे प्यार करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लीजिए। भैया हम पुलिस में नहीं है भैया, वकील आदमी है, गिरफ्तार क्यों करेंगे? उल्टे तुमसे पैसे लेके बेल लगाएंगे। कौन है ये लोग? जा पूछ क्या। नहीं चाचा हमें बता दो, हम भेज देते हैं गिरफ्तार करने, या मैडम के हाथों ही गिरफ्तार होना है। और बेटा जिस दिन पुलिस वालों ने डंडे में तेल लगा के गुल्लक में डाल दिया ना, उस दिन भूल जाओगे गिरफ्तार होना। बड़े मैडम जी गिरफ्तार कर लो। अब भाई ऐसा नहीं कि सब स्टूडेंट खराब होते हैं, कुछ स्टूडेंट अच्छे भी होते हैं। अरे भाई तो तुम पढ़ लो ना, कसम से मैम कोई लड़का पढ़ नहीं रहा, आपको देख रहा, तो तुम पढ़ लो ना। गजब बेइज्जती है। नहीं और बनाओ नंबर, आ गया स्वाद। अरे फूफा जब बाकी लोग नहीं पढ़ रहे तो तू पढ़ लेना, तू क्यों जेम्स बॉन्ड का मौसा बनता फिर रहा है? और वैसे भी बेटा पढ़ाई तो तू भी नहीं करना चाहता। सही पकड़े हैं। और भाई इन सस्ते आशिकों के पास नई नई तरीके होते हैं मैडम लोगों को प्रपोज करने के लिए। सब प्रपोजल था, मेरी सिस्टर की भाभी बनोगी, तुम लोग प्रपोजल के लिए नया नया तरीका ढूंढते रहते हो क्या? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तुम लोग एक जगह पे खड़ा खड़ा करा के धूप में, कभी देखा? मतलब देख रहे हो मेरी सिस्टर की भाभी बनोगी, प्रपोज करने का तरीका देख रहे हो, कुछ भी चल रहा है। मतलब सारे नल्ले बेरोजगार यहीं से क्लास लेते हैं क्या? तो क्या हाल है भाई लोगों? तो भाई लोगों आज हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं ऐसे स्कूल और ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में जो खाली छोड़ी बटाता है। हाँ जहाँ पढ़ाई लिखाई हो या ना हो, लेकिन तेल चटाई जरूर होता है। जहाँ स्टूडेंट्स किसी का बहाना बनाकर टीचर का नंबर मांगते हैं। मैम हमारे खान सर आपके लिए बेस्ट रहेंगे, आपका नंबर मांग रहे थे। आह तुम लोग कितने स्मार्ट हो ना, खान सर नंबर मांग रहे थे, वाह। तू समझा? हाँ। नहीं। स्मार्टनेस की भी हद होती है लेकिन। और जब नंबर नहीं मिलता तो अपने ही टीचर को अपने पापा से शादी करने को बोलते हैं। ये कौन नालायक है क्लास में, बार बार स्पैम किए जा रहा है, मेरे पापा से शादी करेंगी, तुमको शर्म लिहाज है कि नहीं है जरा सब? नहीं। बताओ कॉन्फिडेंस देख रहे हो बच्चों का? और भाई ये वही बैक बेंचर्स होते हैं जो पढ़ाई लिखाई छोड़ के पीछे बैठ के जुबा केसरी करते हैं। क्या सोच है रे तेरी? अब इसे देख के कुछ लड़कियां बोलेंगी लड़के तो होते ही ऐसे हैं, पर ना मुन्नी ना, बैक बेंचर सिर्फ लड़के नहीं होते, लड़कियां भी होती हैं।
रुको जरा, सबर करो। बताओ स्वैग देख रहे हो लड़की का, कमला पसंद खा के कैसे फूक मार रही है। नहीं साला, कहाँ का स्कूल है ये जो सब कुछ इतने चौड़े में चल रहा है। और साला एक हम थे जो प्रेयर में भी लॉलीपॉप छुपा छुपा के खाते थे। बताओ कितने इनोसेंट थे हम। तो भाई लोगों, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, लेजी गेमर को सब्सक्राइब कर दो यार। वैसे तो नहीं करते हो, पर आज कर देना यार, तुम्हारे भाई को अच्छा लगेगा। तो भाई कुछ लड़कियां कहती हैं बैक बेंचर सिर्फ लड़के होते हैं। तो दीदी कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, घर बड़ा हो तो सुअर पाल लो, पर गलत फहमी मत पालो। क्या हुआ दीदी, अब बोलो ना कि बैक बेंचर सिर्फ लड़के होते हैं। और दीदी इतना बड़ा फर्रा तो हम लड़के भी नहीं ले जाते, ऊपर से छुपा कहाँ रखा है, मास्क में। अरे क्या चीटर बनेगी रे तू। और भाई मुझे ये समझ नहीं आता इन निब्बी निब्बाओं ने स्कूल को समझ क्या रखा है। मतलब भाई कोई फूल दे के प्रपोज कर रहा है। तो कोई गुब्बारा देके कोई अंगूठी देके प्रपोज कर रहा है। तो कोई चॉकलेट देके बताओ साला ये सब चल क्या रहा है बे। नहीं भाई मैं सच बता रहा हूँ, अब वो दिन दूर नहीं जब ये निब्बा निब्बी एक दूसरे को थैलियों में अपनी टट्टी पैक करके देंगे और बोलेंगे बाबू चख के बताना कैसा है। अच्छा। और भाई लोगों, मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ और हमारे टाइम में लास्ट डे ऑफ स्कूल वाला ऐसा कुछ बवासीर था ही नहीं। हम लास्ट डे स्कूल इसलिए जाते थे क्योंकि फ्री में समोसा पेलने को मिलता था। और वैसे भी हमारे स्कूल में ना अच्छी टीचर थी ना अच्छी लड़की। और भाई कुछ लड़कियों की शक्ल तो खुद ब्रेड पकौड़ा और समोसे सा मिलता था भाई। और आज देखो लास्ट डे ऑफ स्कूल। बताओ देख रहे हो इस बंदे को, ये साइन कर रहा है या सांप बना रहा है। नहीं मतलब ऐसा कौन सा डिजाइन बना रहा है जो ये चितकबरी इतना बिदक रही है। और नहीं भाई ये स्कूल कहाँ है यार, हम भी पढ़ लेंगे। और भाई सच बताओ ना, तो अगर ऐसा करते हमारे टीचर देख लेना तो गुल्लक में डंडे डाल के मोर बना देंगे। बताओ साला एक हमारा टाइम था जब हमारे मैथ के टीचर कभी छुट्टी नहीं करते थे, आंधी आए तूफान आए चाहे धरती पलट जाए, पर मैथ के टीचर ना आए ऐसा नहीं हो सकता। तारे ने पसंद मैनू हेठा सारे राधे उन्हां तारिया दे विच जदों मैनू वेखेगी मेरी याद जदों आऊगी ता पता लगूगा तेरे नाल लारे नी तू लाउण वाली ए दिल तेरा जदों टुटूगा ता पता। बताओ साला हम सोचते थे बारिश बहुत हो रही है आज शायद सर नहीं आएंगे, और हमारे मैथ टीचर ले क्या करे भाई, हमारी तो किस्मत ही खराब है। कुछ भी हो पर पहले की टीचर की बात ही अलग थी। और साला आज देखो टीचर को फेयरवेल वाले दिन ऐसे विदा करते हैं जैसे बलि देने के लिए बकरे को। ये क्या है? बताओ ऐसा नहीं लग रहा कि कसाई आएगा और सीधा सर का बलि चढ़ा देगा। नहीं मतलब भाई ऐसे विदाई कौन देता है यार, और ऊपर से सर को देखो कैसे मस्त बैठे हैं यार। तो बस भाई लोगों आज की इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही यार थोड़ा सा सपोर्ट लेजी गेमर को भी दिखा दो यार। 4 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद उस पर 5,000 सब्सक्राइबर भी नहीं है, थोड़ा सा तो रहम करो लेजी गेमर पर।
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ ही फॉलो कर लेना झटपट ज्ञान का इंस्टा हैंडल को। तो बस दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।